हेलो फ्रेंड्स, मैं टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सोलविन कोल्ड सिरप के बारे में। अगर हम सोलविन कोल्ड सिरप की बात करें तो यह छोटे बच्चों में इस्तेमाल की जाने वाली एक एंटी कोल्ड दवा है, जो कि डॉक्टर की सलाह पर छोटे बच्चों को दिया जाता है। सोलविन कोल्ड मुख्यतः स्नेजिंग, छींक का लगना, रनी नोज, नाक का बहना, स्टफी नोज, बंद नाक, फीवर, बुखार, हेडेक, सरदर्द, बॉडी पेन अथवा शरीर में दर्द व कंजेशन तथा वाटरी आइस होने पर छोटे बच्चों को दिया जाता है। अगर बात करें सोलविन कोल्ड सिरप की, तो सोलविन कोल्ड सिरप कंपोजिशन है पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामिन, मैलियट, जिसमें पैरासीटामोल 125 mg, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg व क्लोरफेनिरामिन मैलियट 2 mg की मात्रा में अवेलेबल होता है। पैरासीटामोल 125 mg एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो कि शरीर में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि मरीज को दर्द व बुखार का एहसास कम होना महसूस होता है। उसी तरह अगर बात करें फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड की, तो यह 5 mg की मात्रा में सोलविन कोल्ड में मौजूद होता है। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, तो नेसल पैसेज में मौजूद ब्लड वेसल्स को श्रिंक्स कर देता है, जो कि ब्लड वेसल्स श्रिंक्स होने से पेशेंट को कंजेशन में आराम महसूस होता है। अगर बात करें क्लोरफेनिरामिन मैलेट की, तो यह 2 mg में मौजूद होता है, जो कि एक एंटी एलर्जिक व एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। क्लोरफेनिरामिन मैलेट मरीज को कोल्ड के दौरान होने वाले गले में एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि गले में खराश, में राहत पहुंचाता है। बात करते हैं सोलविन कोल्ड सिरप की डोजेस की। सोलविन कोल्ड सिरप मुख्यतः 4 साल से ऊपर के बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष ध्यान रहे कि सोलविन कोल्ड सिरप 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दिया जाए। सोलविन कोल्ड सिरप या अन्य किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सोलविन कोल्ड डोजेस की अगर बात करें, तो इसकी डोजेस डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर के परामर्श पर ही लें, किंतु अगर आपातकालीन स्थिति की बात करें, तो सोलविन कोल्ड सिरप 5-5 ml 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे बच्चा खाली पेट ना हो। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सोलविन कोल्ड सिरप से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की। अगर सोलविन कोल्ड सिरप की डोजेस एक्सेसिव मात्रा में हो जाए, तो इससे मरीज को ड्रॉजीनेस, नर्वसनेस, हेडेक, डिजीनेस, इंसोमेनिया, ब्लर विजन, कॉन्स्टिपेशन व ड्राई माउथ की समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। धन्यवाद।